जिंदाबाद, पब्लिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, अवार्ड को, हेरे, अवार्ड को, हेरे। आरक्षण लागू करो। अर्बन लोकल बॉडी में, अर्बन लोकल बॉडी में, अर्बन लोकल बॉडी में, हिस्सेदारी हो। अर्बन लोकल बॉडी में, हिस्सेदारी हो। अर्बन लोकल बॉडी में, हिस्सेदारी हो। पंचायती राज में, हिस्सेदारी हो। पंचायती राज में, हिस्सेदारी हो। ओबीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी वांट जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। वी वांट जस्टिस। ओबीसी वांट जस्टिस। ओबीसी वांट जस्टिस। ओबीसी वांट जस्टिस। लोगों का बड़े धन्यवादी हूं जिन्होंने इतना समय निकाल कर हमारी आवाज़ सुनने का प्रयास किया और इस आवाज़ को दिल्ली की दीवारों तक खड़का के रखना। देखिए, जहां थोड़े दिन पहले निर्वाचन आयोग ने एक लेटर निकाला है जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का कालम तक नहीं है और एससी और एसटी को रिजर्वेशन है, लेकिन ओबीसी के साथ दोबारा फिर धोखा हुआ है। जबकि 10/5/2022 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक आर्डर है कि पूरे देश में ओबीसी के लोगों को लोकल बॉडी और पंचायतों में आरक्षण दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जहां की सरकार ने हमारे साथ धोखा किया और कई बार ऐसे मेमोरेंडम हम दे चुके हैं और हमें उम्मीद थी कि जब भी ये लोकल बॉडी की इलेक्शन होगी तो जहां ओबीसी के लोगों को उनका हिस्सा दिया जाएगा। हमारी आबादी जो है स्टेट में 42% के करीब है, लेकिन 42% की आबादी को इन्होंने इग्नोर किया है और उसके साथ धोखा किया है। जहाँ मोदी अपने एलजी साहब के जागने की तो बात लग रही, मैं अपने समाज से ये बेनती करता हूँ आप जाग जाइए और जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जो मौजूदा सरकार है जो धोखा हमारे साथ कर रही है, आप भी तैयार हो जाओ इनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए और इनको इस कुर्सी से नीचे फेंक बताओ जिन हमारे साथ ये धोखा किया। हमारे साथ ये वायदे करते हैं कि हम ओबीसी को उनका आरक्षण दिया जाए।